कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नज़र यूं ही, मैं जानता हूं कि तू गैर है मगर यूं ही। साहिर की ये गज़ल अमृता के साथ उनके अधूरे इश्क को बखूबी बयां करती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रूपल है और आज आपके सामने जो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसके किरदार हैं साहिर लुधियानवी, अमृता प्रीतम और इमरोज़। इनके परिचय को मुझे जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सब इनको बहुत बखूबी जानते हैं। साहिर और अमृता की मोहब्बत परवान ना चढ़ सकी और वहीं इमरोज़ अपनी एक तरफा मोहब्बत अमृता के साथ निभाते गए। साहिर की मोहब्बत में दीवानी अमृता उम्र के आखिरी पड़ाव तक आते आते ये जान चुकी थी कि इमरोज़ से ज़्यादा उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं है। उस जीवन में अमृता साहिर के लिए दीवानी रहीं, पर ज़िंदगी के आखिर में इमरोज़ से जाते जाते वो कुछ वादे कर गईं फिर मिलने के। पर मेरा मानना ऐसा है कि अब अगर अमृता वापस आई तो साहिर को नहीं चुनेंगी, इमरोज़ को चुनेंगी, और जो साहिर से वो ना कह पाई वो अब कहेंगी। तो इसी ख्याल को अपने शब्दों में पिरोते हुए मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगी और ये इस आज की अमृता का अफसाना आपको सुनाना चाहूँगी। मेरी इस रचना का शीर्षक है आज की अमृता। मैं तुम्हें फिर नहीं मिलूँगी, अगर आई कोई नया जिस्म लेकर तो पहली नज़र का प्यार तुमसे नहीं करूँगी। मैं कोई रसीदी टिकट नहीं लिखूँगी जिसको पढ़कर तुम्हें मेरे प्यार की गहराई का पता चले। मैं इस बार तुम्हारे इजहार करने तक चुप रहूंगी। तुम्हारे लफ्जों की बारिश ने जो प्रेम का वृक्ष सींचा था मेरी रूह में, इस बार उसका बीज मैं खुद में पड़ने नहीं दूंगी। इस बार अगर मैं आई और प्यार हुआ किसी को मुझसे तो उसकी खामोशी को उसकी मोहब्बत के पैमाने पर नहीं रखूंगी। चाहूंगी मैं कि वो दुनिया के सामने आए और अपनाए मुझे। मैं अंधेरों के गर्त में अपनी मोहब्बत को सीमित नहीं रखूंगी। इस बार दूरियों को नहीं सहूंगी, लाहौर हो या दिल्ली मैं हर फासला तय करूंगी। और अगर फासलों की वजह से कोई मोहब्बत परवान नहीं चढ़ पा रही है तो मैं उस प्रेम की राह नहीं मोड़ूंगी। बस खतों के ज़रिए मैं तुम्हें महसूस नहीं करूंगी। तुम अगर ज़ुबान से ना कह पाए तो पन्नों पर तुम्हारा शब्दों का प्यार मैं मंजूर नहीं करूंगी। तुम रख लेना मेरी चाय का झूठा कप, पर तुम्हारी सिगरेट के पी हुए खाली खोखे मैं अपने लबों पर नहीं रखूंगी। मैं इस बार एक मुकम्मल प्रेम की कहानी लिखूंगी, इमरोज़ सा कोई मुझ में रंग भरने वाला चुनूंगी। पहले उसके पीछे स्कूटर पर बैठे बैठे जब उसकी पीठ पर कुछ लिख दिया करती थी तो उसे वहम होता था कि मैंने साहिर का नाम लिखा है। पर इस बार मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर उसको कमर से पकड़कर उसके कानों में उसका यानी इमरोज़ का नाम लूँगी। मैं उसके कंधे पर सर रखे अपनी ज़िंदगी की सारी दोपहर सुकून से काटूंगी, ना कि ज़िंदगी की शाम होने तक उसका इंतज़ार करूंगी। मुझे अगर मिलेगा दुनिया को एक तरफ करके मुझे चाहने वाला, मुझे प्यार करने वाला, तो इस बार मैं उसको चुनूंगी। जो मुझे प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूंगी। मैं इस बार अगर आई वापस तो साहिर से नहीं, इमरोज़ की एक तरफा मोहब्बत का कर्ज चुकाऊंगी। मैं मुझे प्यार करने वाले को प्यार करूंगी। मैं साहिर की नहीं इमरोज़ की अमृता बनूंगी। धन्यवाद, थैंक यू।